ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए चर्चा करते हैं, आज तारीख 6 फरवरी 2024 बारह राशियों के विषय पर। सबसे पहले मेष राशि के लिए आज आपको जो चंद्रमा है वह अष्टम यानी वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में प्रवेश है, तो आपके लिए जो दिन 12 बजे के बाद में श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा, कोई आपको मन में संतोष कारक रहने वाली स्थिति को भी प्रदान करेगा। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वाले व्यक्ति, आपके लिए जो चंद्रमा है वह अष्टम आ जाएगा, आज आपको कोई हानि हो सकती है, इसलिए सचेत सावधान सतर्क रहें। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज आपको राज सम्मान या शिक्षा उच्चाधिकारी इत्यादि की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, षष्ठे संपत्ति रुत्मा, यदि चंद्रमा की दृष्टि से देखा जाए तो आपको भूमि अथवा किसी भी प्रकार के धन कारक योग बना रहा है, जो कि श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, आज आप वाहन इत्यादि से सचेत सतर्क सावधान रहें। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आपको मानसिक तनाव बेचैनी कम हो सकती है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हो अथवा आपसे संबंधित कोई अटकी हुई समस्या भी आज समाप्त हो सकती है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी अथवा मांगलिक शुभ सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उतार चढ़ाव रह सकता है, व्यापार में घाटे की स्थिति किसी बात को लेकर बन सकती है। दसम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग आदि बन सकते हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, विद्याध्ययन, सरकारी क्षेत्र से सफलताएं, स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग संयोग आपको आज के दिन बन रहे हैं, किसी बात या काम को लेकर आज आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, जो कि आपको कार्य सिद्ध और संपन्न होने के योग बन रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीता अमरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।